हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। इससे पहले के वीडियो में हमने डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा था। डिटरमाइनर्स के डेफिनेशंस पढ़े थे, डिटरमाइनर्स के टाइप्स पढ़े थे। हमने देखा था कि डिटरमाइनर्स किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। सेकेंड वीडियो जो हमारा है, हम टेंस पे बना रहे हैं और जो कि आपके जेलो के सिलेबस में है। ठीक है, टेंस सबसे पहले हम ये देखेंगे टेंस कहते किसे हैं। तो जो हमें टाइम के बारे में इंडिकेट करता है, टाइम के बारे में बताता है उसे हम टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टेंस तीन प्रकार से होते हैं। टेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, अब इन टेंसों को भी फाइव टाइप में बांटा गया है। सिंपल टेंस, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले अगर हम इस चीज़ को समझे कि इसे ये क्या कहते हैं, तो सिंपल टेंस वो होता है जो किसी क्वालिटी के बारे में बताता है, किसी क्लास के बारे में बताता है। इंडिफिनिट वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे जो क्रियाएँ होती हैं उसके बारे में बताता है। कंटिन्यूअस यानी कि ये कहता है कि जो काम कंटिन्यू चल रहा है। परफेक्ट कहता है कि मैं पूर्ण रूप से हो चुका हूँ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है इसमें कुछ एक अवधि दी गई होती है, काम कुछ समय से चल रहा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे, फिर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट देखेंगे, फिर हम पास्ट इंडिफिनिट देखेंगे, फिर हम फ्यूचर इंडिफिनिट देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट वो होता है जो किसी की आइडेंटिटी बताता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं एक अध्यापिका हूँ। ठीक है, या मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरी आइडेंटिटी है। सेकेंड है क्लास, जो किसी क्लास को बताता है। जैसे सी इज़ नॉट माई मदर, वो मेरी मम्मी नहीं है। ही इज़ नॉट माई फादर, वो मेरे पापा नहीं है। ठीक है, और थर्ड जो है वो क्वालिटी बताता है। क्या आप पटना में रहते हैं? आर यू इन पटना? ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके सिंपल प्रेजेंट्स के एग्जांपल है। सिंपल प्रेजेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि जो किसी की आइडेंटिटी बताए, क्लास बताए और क्वालिटी बताए, उसे कहते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, अब आपको पता है कि इसी भी सेंटेंस को बांटा गया है फोर टाइप्स में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर अफर्मेटिव आप देखते हैं तो आता है सब्जेक्ट आता है पहले, इज एम आर आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसमें वर्ब, मेन वर्ब नहीं आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, इज एम आर आता है और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर नेगेटिव हो जाएगा, इज एम आर के बाद आपको नॉट लगा देना है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव भी आपके दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक वो इंट्रोगेटिव जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली पहले आती है, फर्स्ट पे आती है, सब्जेक्ट पे आती है। एक वो इंट्रोगेटिव होता है जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आती है। तो जब डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आती है तो हम व्हाट, वेयर, हुज का यूज़ करते हैं। जब डब्ल्यू एच फैमिली पहले आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल टेंस। आपको एग्ज़ाम से, अगर आपको जैसे एमसीक्यूज देखते हैं, आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आता है, आपको सबसे ज़्यादा इसके वर्ब पे ध्यान देना है कि सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस का रूल क्या होता है। इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस का रूल माइंड में है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल
सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देख लिया, नेक्स्ट देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। हम एक सीरीज से देखेंगे कि तो हम सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस वो होता है जो पास्ट आइडेंटिटी को बताता है, जो काम बीत चुका है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर थी, हूँ नहीं, मैं एक डॉक्टर थी, ठीक है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही होता है, बस इसमें ये होता है कि ये पास्ट एक्टिविटी के बारे में बताता है, ठीक है। ही वॉज नॉट माई फादर, वेयर यू इन पटना, ठीक है। तो ये जो है ये है आपका पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल फ्यूचर्स। सिंपल पास्ट टेंस के अगर रूल देखेंगे आप, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, वॉज और वेयर आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसमें वर्ब नहीं आ रहा है, वर्ब फॉर्म नहीं आ रहा है, ये ध्यान देना। यही डिफरेंस है इंडिफिनिट और सिंपल में। सब्जेक्ट अगर नेगेटिव देखेंगे आप, सब्जेक्ट और वॉज वेयर के बाद आपको नॉट लगाना है। ये तो आपको क्लियर होगा कि वॉज का यूज आपको कहाँ करना है और वेयर का यूज कहाँ करना है, ठीक है। आप जानते हैं ना कि पर्सन कितने होते हैं, तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ आपको आपको वेयर का यूज करना होता है, वॉज का यूज करना होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आपको वॉज का यूज करना होता है, प्लूरल नाउन के साथ आपको वेयर के यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ भी अगर आप ईजीएमआर का यूज देखेंगे तो सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज करना होता है, आई के साथ एम का यूज करना होता है, बहुवचन जब प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ आपको आर का यूज करना होता है। नेक्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसी सीरीज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस को भी देख लेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या करता है कि ये फ्यूचर के बारे में बताता है। सिंपल पास्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही होता है, लेकिन पास्ट एक्टिविटी के बारे में बताता है। सिंपल फ्यूचर टेंस किसके बारे में बताता है? सिंपल फ्यूचर टेंस बताता है आपको फ्यूचर के बारे में, जो भविष्य में काम होने वाला है उसके बारे में बताता है। लेकिन ये भी किसी की आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी के बारे में ही बताता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हो, आपको बस तीन वर्ड माइंड में रखने हैं। एक वो कि ये किसी की, जब कोई सेंटेंस किसी की आइडेंटिटी बता रहा हो, किसी किसी की कैटेगरी की क्लास के बारे में बता रहा हो और उसकी क्वालिटी बता रहा हो, ठीक है, तो ये होता है सिंपल टेंस। चाहे वो प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में है वो, पास्ट की बात है तो पास्ट में हो चुका है। जैसे आई एम ए डॉक्टर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, लेकिन आई वॉज अ डॉक्टर तो पास्ट टेंस हो जाएगा, एंड आई सेल बी अ डॉक्टर तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अगर आप इसके रूल को देखोगे तो रूल है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट सेल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सेल विल के साथ आपको बी लगाने होते हैं। नेगेटिव है सब्जेक्ट सेल विल प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। इंट्रोगेटिव में सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेल विल सब्जेक्ट नॉट प्लस बी और ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपको इसको, अगर आपको देखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो प्रैक्टिस से आप बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अब हम बात करेंगे, सिंपल टेंस हमारा खत्म हो चुका, हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, सिंपल पास्ट पढ़ लिया, सिंपल फ्यूचर पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिफिनिट के बारे में देखेंगे।